गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सोमवार को वार्षिक परीक्षा में उत्कृष्ट अंक हासिल करने वाले 54 मेधावियों को स्वर्ण पदक से नवाजा गया, जिसमें छात्राओं ने बाजी मारते हुए छात्रों को पीछे छोड़ दिया। पदक हासिल करने वाले 41 छात्राएं और 13 छात्र शामिल रहे। स्वर्ण पदक पाते हुए छात्रों के चेहरे खुशी से खिल उठे और मेधावियों ने अपने सफलता का श्रेय अपने शिक्षक, परिजनों और दोस्तों को दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्वर्ण पदक पाने वाली मेधावी छात्रा अन्नू मिश्रा, अंकिता यादव, उत्कर्ष त्रिपाठी, गरिमा शर्मा, सौम्या मिश्रा, पूनम सिंह, आदर्श राय, अजीत कुमार सिंह, कृष्ण भूषण शुक्ला, सावित्री सिंह ने कहा। हम प्रतिज्ञा करते हैं, इस उपाय प्रमाणित करते रहेंगे। श्रीमान, मैं उपाधि के लोग प्रमाणित करते रहेंगे। जिन्होंने विहित परीक्षा के अनंतर विधि संकाय में पीएचडी, स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधि के लिए अपनी योग्यता प्रमाणित की है। निरंतर प्रगति की कामना करती हूँ। जय हिंद। जी, मेरा नाम मधु मिश्रा है। आपने किस सब्जेक्ट में? हाँ जी, मेरा एमए संस्कृत में हुआ है एंड डिपार्टमेंट टॉपर एंड फैकल्टी टॉपर में। आप इसके लिए किसको श्रेय देंगे? सबसे पहले तो अपनी मम्मी को एंड मेरे गुरुजन, मेरे पाठक सर और सबको जो भी मेरी लाइफ में जुड़े हुए हैं। मधु, आप आगे क्या बनने का प्लान करते हैं? आगे तो प्लान बहुत लंबा है, अभी तो बस पंख फैलाया है, उड़ान बाकी है। अभी आगे ऐसे ही चलता रहे सफ़र, बस कभी झुकने का मौका न मिले। जी, मैं सिविल में जाना चाहती हूँ, फर्स्ट ईयर सिविल। अंकिता यादव। अंकिता, आपने किस सब्जेक्ट में गोल्ड मेडल पाया? सदा शिक्षा। अंकिता, आप इसके लिए किसको श्रेय देना चाहती हैं? अपने माँ बाप को। आगे क्या प्लान है? टीचर बनना। उत्कर्ष त्रिपाठी और मैं एनपीजी कॉलेज बड़गंज का विद्यार्थी हूँ। आपने किस सब्जेक्ट में गोल्ड मेडल पाया? मैं कला संकाय के समस्त विषय में गोल्ड मेडल पाया हूँ। और सबसे पहले तो मैं ईश्वर का भरोसा और माता पिता का आशीर्वाद और बाबा का जो भावनात्मक सहयोग और जिस उम्र के पड़ाव पे हम लोग हैं, वो एक ऐसे दोस्त की जरूरत पड़ती है जो हर वक्त हमारा साथ दे सके, ऐसे एक आदि दोस्त का मैं ऋणी हूँ। और जामवंत की भूमिका निभाने वाले और हर प्रकार सहयोग देने वाले रामेश्वर पांडे सर और एनपीजी कॉलेज के समस्त टीचरों का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आगे मैं सिविल सेवक बन के देश की सेवा करना चाहता हूँ। गरिमा शर्मा। गरिमा, आपने किस सब्जेक्ट में गोल्ड मेडल पाया, कितने गोल्ड मेडल? स्नातक वर्ग में और 5 गोल्ड मेडल्स कला संकाय। आप अपने इसके लिए किसको श्रेय देना चाहेंगे? सबसे अधिक और सबसे बड़ा श्रेय मैं अपनी माँ को देना चाहूँगी और मेरे गुरुजन, मेरे भाई और मेरे बहन और पिताजी। आगे क्या प्लान है बनने का? सिविल सर्वेंट बनने का। जी, सौम्या मिश्रा। सौम्या, आप किस सब्जेक्ट में गोल्ड मेडल पाए थे? स्टैटिस्टिक्स में और 1 मिला है। आप अपने शिक्षा के लिए किसको श्रेय देना चाहेंगे? मैं इसका सबसे बड़ा श्रेय अपने घर वालों को देना चाहूँगी, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन और मेरे फ्रेंड को भी देना चाहूँगी, जिनके पूरे सपोर्ट की वजह से, जो मतलब अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो वो एज अ पिलर्स हैं, जिनकी वजह से, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है और हमेशा मेरा साथ दिया है। आगे क्या बनना है? जी, डेटा साइंटिस्ट करना। पूनम सिंह। आपने किस सब्जेक्ट में गोल्ड मेडल पाया? एमएससी फिजिक्स। आप अपनी, मैं अपनी शिक्षकों को श्रेय देना चाहूँगी तथा मेरे परिवार वालों, जिन्होंने मेरा भरपूर सहयोग किया है और मेन तो हमारी जो खुद की पढ़ाई होती है वो। आगे क्या बनना चाहती हूँ? मैं सिविल सर्वेंट बनना चाहती हूँ। मेरा नाम प्रतिभा सिंह है। प्रतिभा, आपने किस सब्जेक्ट में गोल्ड मेडल पाया? एमएससी बायोटेक्नोलॉजी। आप आगे चल के क्या बनना चाहती हूँ? एक साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। इसके लिए किसको श्रेय देना चाहती हूँ? मैं इसका श्रेय अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी और मेरे टीचर्स को एंड मेरे फ्रेंड्स को, जिन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया इसके लिए। मेरा नाम आदर्श राय है। मैं स्नातक स्तर पे हिंदी विषय में गोल्ड मेडल मिला है हमें। सबसे ज़्यादा मैं अपने माता पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद, मतलब गुरुओं को अपने समर्पित करता हूँ। मैं एक सिविल सेवक बनना चाहता हूँ और देश की सेवा करना चाहता हूँ। अनीश कुमार सिंह। एमएड शिक्षा शास्त्र। अपने माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद का परिणाम। मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। कृष्ण भूषण शुक्ला।
रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विभाग प्रस्नातक। माता पिता के आशीर्वाद, गुरुजनों के आशीर्वाद और स्वजनों की कृपा। फिलहाल मेरा एडमिशन रिसर्च में हो चुका है और मैं रिसर्च करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। सावित्री सिंह, आपने किस सब्जेक्ट में गोल्ड मेडल पाया और पिछली बार? बैचलर्स इन लॉ। आगे चलकर क्या बनना? मैं जज बनना चाहती हूँ। इसके लिए किसको समर्पित करना? अपने पापा को।